हेलो एवरी वन आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जेम स्टोन्स विच शुड नॉट बी वॉन्ट टुगेदर और ये जेम्स साथ में क्यों नहीं पहनने चाहिए ये रीजन्स भी डिस्कस करेंगे पहला आ जाता है ब्लू सफ़ायर एंड रूबी सो ब्लू सफायर इज द जेम्सोन ऑफ सैटर्न एंड रूबी है सन यानी कि सूर्य का जेम्सटोन सो so, वैसे तो ये पिता पुत्र हैं जिसमें सन बींग द पिता एंड शनि बींग द पुत्र लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वैदिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग जब शनि देव का बर्थ हुआ था तो सूर्य देव ने उन्हें अपना बेटा मानने से मना कर दिया था क्योंकि सूर्य देव इज़ फुल ऑफ ब्राइटनेस उनमें बहुत तेज है और जो शनि देव है उनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है इस वजह से उन्होंने जो शनि देव की मदर हैं छाया उनको भी काफ़ी ह्यूमिलेट किया था एंड दैट्स द रीज़न कि देव एंड देव में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और दोनों बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ हैं पीछे हटने को कोई भी रेडी नहीं होता तो जब भी इन दोनों के जेमसोन्स साथ में पहने जाते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करते हैं नेक्स्ट वी हैव ब्लू सेफायर एंड रेड कोरल जैसा कि हम अब जानते हैं कि ब्लू सेफायर इज़ द जेमसोन ऑफ सैटर्न और रेड कोरल मार्स का जेमसोन है ये दोनों भी एनिमी है। प्लानेट्स हैं ऑल दो टेक्निकली केवल सैटर्न ही मार्स को एज एन एनिमी मानते हैं मार्स इज़ न्यूट्रल टूवर्ड्स सैटर्न बट जैसे अगर आप घर में कोई ऐसे दो लोगों को रख देंगे जिसमें एक तो दूसरे के टुवर्ड्स न्यूट्रल है लेकिन दूसरा वाला इसे एनिमी मानता है तो घर में सुख शांति नहीं रह पाएगी तब भी क्योंकि जो एनिमी मानता है दूसरे इंसान को वो कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करता ही रहेगा ऐसे में बेस्ट रहता है कि दोनों लोग साथ में एक घर में ना रहें एंड सेम थिंग गोज विद प्लानट्स एंड देयर जेम स्टोन्स एंड दैट्स द रीज़न कि इट्स बेटर ब्लू सेफायर और रेड कोरल को साथ में ना पहना जाए अगला आ जाता है ब्लू सफ़ायर एंड पर्ल ब्लू सफ़ायर जैमसन ऑफ़ सैटन पर्ल जैमसन ऑफ़ मून और ये दोनों प्लानट सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है द फेमस साढ़े साथी साढ़े साथी में यही होता है कि सैटन का ट्रांज़िट होता है आपके मून साइन पे उससे एक पहले वाले साइन पे भी और उसके एक बाद वाले पे भी और ये जो कम्बाइंड पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड साढ़े साथी जो काफ़ी लोगों को दिक्कत देती भी है सो so, अगर इन दोनों को प्लानट्स को आप साथ में रखेंगे तो कहीं ना कहीं मून की एनर्जी काफ़ी अफ्लिक्ट हो जाती है सेकेंडली अगर साढ़े साती विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिट उसे अगर आप छोड़ भी दें तो जो आपके चार्ट में एक कॉम्बिनेशन बना देता है साटन एंड मून का कंजंक्शन विच इज़ कॉल्ड विश दोष जिसमें मून की एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तो जब इन दोनों प्लैनेट्स के जेमसों भी साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये विश दोष वाला प्रभाव या साढ़े साती वाला प्रभाव ही देते हैं और जो भी इन दोनों को साथ में पहनता है उसे कम से कम मेंटल लेवल पे तो काफ़ी दिक्कत होती ही होती है एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सैटन एंड मून इन द चार्ट वो काफ़ी और एरियाज़ ऑफ लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकता है नेक्स्ट वी हैव येलो सेफायर एंड हैसोनाइट येलो सेफायर गुरु का जैम स्टोन हैसोनाइट राहू का जैम सोन गुरु जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो हमेशा अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं सही राह दिखाना चाहते हैं एंड राहू ऑन दी अदर हैंड ही इज़ लाइक अ थग जो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और यही राहु की हमेशा अप्रोच रहती है और कुंडली में भी जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं गुरु मतलब टीचर और चंडाल मतलब हु इज रियली विकेड ईवल तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी साथ में अच्छा रिजल्ट नहीं देता एंड सेम गोज फॉर देयर जेमसोन्स नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ येलो सेफायर एंड डायमंड सेफायर जैसा कि हम अब जानते हैं द जैम सोन ऑफ बृहस्पति यानी कि गुरु और डायमंड इज द जैम सोन ऑफ शुक्र सो so, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं एंड जो शुक्र हैं वो दैत्यों के गुरु हैं सो फॉर ऑब्वियस रीजन्स दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती अगला आ जाता है हेसनाइट एंड पर्ल हैसनाइट राहू का जैमसून पर्ल चंद्रमा का जैम सोन सो so, जब चार्ट में भी राहू एंड चंद्रमा साथ में आते हैं तो दिस फॉर्म्स चंद्र राहू ग्रहण दोष जिसमें राहु का तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है और ग्रहण लगने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसकी एनर्जी काफ़ी हद तक अफ्लेक्ट हो जाती है दिक्कत में आ जाती है सो so, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी जैमसोन्स का जब साथ में पहना जाता है वो चंद्र राहु ग्रहण दोष जैसा ही इफेक्ट देता है सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं हेसनाइट एंड रूबी हेसनाइट राहु का जैमसोन रूबी सूर्य का जैमसोन और राहु एंड सूर्य जब साथ में आते हैं तो इट फॉर्म्स सूर्य राहु ग्रहण दोष ऑब्वियसली सूर्य पे ग्रहण लगना कोई अच्छी बात तो मानी नहीं जाती और अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है सूर्य एंड राहू का तो so सबसे पहले ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को इम्पैक्ट करता है एंड डिपेंडिंग ऑन राहूज एंड सन्स प्लेसमेंट लाइफ के और एरियाज भी इम्पैक्ट हो सकते हैं सो अगेन दिस इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन विच इज़ एडवाइजेबल एंड द लास्ट वन इज़ रूबी एंड डायमंड रूबी सूर्य का जेमसोन डायमंड शुक्र का तो so, जो सूर्य हैं वो ग्रहराज हैं एंड ही इज़ फुल ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अथॉरिटेटिव नेचर है एंड फुल ऑफ ईगो एज वेल और वो देवता है ऑफ़ कोर्स एंड जो शुक्र है शुक्राचार्य वो दैत्यों के गुरु हैं तो यहाँ सूर्य देवों के जो रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए आप एंड यहाँ दैत्यों के गुरु तो इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है एंड स्पेशली जो सूर्य हैं उनकी पूरी ये कोशिश रहती है कि शुक्र को ना टिकने दिया जाए एंड ईवन एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य को एक बहुत ही फायरी प्लानट माना गया है एंड जो वीनस है इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल प्लानट जो रोमांस एंड ब्यूटी रिलेशनशिप्स इन सब चीज़ों को डिनोट करते हैं इसलिए जब सूर्य एंड शुक्र एक साथ आ जाते हैं तो सूर्य की गर्मी और तेज़ की वजह से शुक्र की वो सॉफ्ट जेंटल क्वालिटीज़ बर्न होनी शुरू हो जाती हैं एंड दैट्स द रीज़न कि जिन लोगों के चार्ट में सन एंड वीनस का कंजंक्शन होता है स्पेशली इन क्लोज डिग्रीज अक्सर उनके लव एंड मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है और कई बार सेपरेशन के चांसेस भी बन जाते हैं इसलिए ये जो पेयर है रूबी एंड डायमंड का इसे पहनने से भी बचना चाहिए ऑल दो देर आर एक्सेप्शनल हॉर्स्कोप्स जिनमें इनमें से कोई कॉम्बिनेशन रेकमेंड किया जा सकता है बट 99% नाइन परसेंट ऑफ द लोगों के हॉर्स्कोप के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सूटेबल नहीं होता एंड इज़ बेटर अवॉइडेड फिर चाहे आप वो जैमसोन्स अलग अलग हाथों में ही क्यों ना पहन लें या फिर एक जेमसोन हाथ में और दूसरा पेंडेंट में जो डिस्टेंस है बिटवीन दो जेमसोन्स वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं भी पहने वो एनर्जी आप ही के अंदर रही है आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हॉर्स्कोप के अकॉर्डिंग बेस्ट जेमसोन्स या बेस्ट जैमसोन कॉम्बिनेशनस कौन से हैं सो कंसल्टेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग